आपने फैमिली साइज डोसा तो खाया ही होगा। आज हम बना रहे हैं फैमिली साइज पराठा, वो भी टोफू के साथ। साइज पराठा बनाने के लिए हम ले रहे हैं आधा किलो टोफू, एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, आधी कटोरी कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया, आधी कटोरी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच अनारदाना और स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने लगभग 1 किलो आटा पहले से ही गूंद के रखा है। पराठा बेलने से पहले हम काउंटर टॉप पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे। अब हथेलियों की मदद से गूंदे हुए आटे को रोटी का आकार दे देंगे। अब उसके बीचों बीच टोफू का तैयार किया हुआ मिक्सचर डालेंगे। रेगुलर साइज पराठा बनाने के लिए आटे का पेड़ा और टोफू मिक्सचर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जब मीडियम हाई सेक पर तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें तैयार किया हुआ पराठा डाल देंगे। पराठे को तलने के लिए हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पराठा एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए तो उसे दूसरी तरफ सावधानी के साथ पलट लीजिए। दोनों तरफ से पकाने के बाद आपका पराठा है तैयार। आप इसे वीगन मक्खन, वीगन दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन सबकी रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोफू से बनाया हुआ पराठा पनीर के बनाए हुए पराठे जैसा ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही साथ इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा।